आज आपने कभी यहाँ सोचा है, अपने आप से पूछे हुए हैं कि ऊंट का जो दूध होता है उस दूध को गाय की तरह क्या जमा सकते हैं? अगर नहीं जमा सकते हैं तब विभिन्न प्रकार के और जानकारी के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। गाय आप लोग हम लोग ऊंट के देखे होंगे, देखे हुए हैं, लेकिन कभी आपने गौर किए हैं कि ऊंट का जो कान होता है वह छोटे होता है, जैसे कि हाथी का अपेक्षा बहुत छोटे होता है। लेकिन जो ऊंट के कान के पास जो बाल होता है लंबे लंबे होता है, लेकिन क्या वह छोटे कान से और पूर्ण रूप से जो कि आवाज को सुन पाता है? जी हाँ, वो छोटे कान से बहुत उनका सुनने की ताकत अधिक रहता है। गाय जो ऊंट है उस ऊंट का जीवन काल कितना होता है? वह जीवन काल यानी कि कितने दिन तक वह पृथ्वी पर जीते हैं, जो कि एक कछुए से भी कम जीते हैं, मकड़े से भी कम जीते हैं, उनका जीवन काल कितना है इतने विशाल ऊंट का? ऊंट का जीवन काल 40 यानी कि 40 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में ऊंट को मर ही जाना है, यानी कि जीवन काल हुआ उनका 40 से 50 साल, मनुष्य की तरह 60 साल से लेकर 100 साल तक। उस गाय जो ऊंट होता है उस ऊंट के वजन के बारे में आपने कभी यहाँ सर्च किया कि ऊंट का वजन कितना होना चाहिए? होता है ऊंट का वजन, मैं आपको पूर्ण रूप से बताता हूँ कि ऊंट का जो वजन होता है जो कि 1500 पाउंड, यानी कि 1500 पाउंड बराबर कितना होता है? 1500 पाउंड होता है 750 केजी के करीब, लगभग 750 केजी एक ऊंट का वजन होता है। गाय जो ऊंट है उसका दूध तो गाय के दूध का अपेक्षा अच्छा होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आप ऊंट का दूध है लेकिन आप गाय के दूधों को दही जमा सकते हैं, पूर्ण रूप से दही के रूप में ले सकते हैं, उसके दही खा सकते हैं, लेकिन क्या ऊंट का जो दूध होता है उसका दही आप जमा सकते हैं? उसका दही नहीं जम सकता, उसका दही जमते हैं यानी कि आप जब दही के प्रक्रिया में ले जाएगा तुरंत फट जाएगा, और फटने के बाद वह दही न जम जाएगा। गाय का दूध होता है और ऊंट का दूध, अगर गाय का दूध और ऊंट का दूध में फायदे देखा जाए यानी कि फायदेमंद कौन सा दूध है, गाय का या ऊंट का? मैं बताता हूँ कि ऐसा रिसर्च करने के बाद पता चला है कि ऊंट का जो दूध होता है उसमें विटामिन और खनिज जो अधिक होता है, समृद्ध रहता है, जो कि गाय के वसा होता है ऊंट में कम होता है। वसा कम होने के कारण ऊंट के दूध में, ऊंट का दूध गाय के दूधों की अपेक्षा बहुत अच्छे होते हैं। आप क्या यहाँ अपने आप से सवाल किए हैं या देखे होइएगा, जो बच्चे होते हैं छोटे सा यानी कि 1 मंथ 2 मंथ के पहले जो बच्चे होते हैं जो कि रोते हुए आप उसे देखते हैं, लेकिन क्या आप गौर किए हैं कभी कि वह आंसू उसका नहीं गिरता, यानी कि आंसू नहीं आता है रोते समय? ऐसा क्यों? वह कब के बाद उसको आंसू आना स्टार्ट होता है? वह 1 से 2 मंथ के बाद जैसा ही वह बच्चे होगा उसके बाद आँख से उसके आंसू आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पुराने कंप्यूटर और हार्डवेयर जो होता है उसको कौन सा देश में सबसे अधिक मात्रा में उसके रिपेयरिंग किया जा रहा है? जैसे कि आप लोग देखते होइएगा कि गांव देहातों में कहा जाता है कि मोबाइल पर यह कचरा मिलेगा, यह सामान मिलेगा, उसी प्रकार से किस देश में? अमेरिका में सबसे अधिक 200 यानी कि 220 मिलियन हार्डवेयर कंप्यूटर को बनाया जा रहा है, जो दुनिया में यानी कि पृथ्वी पर जो भी समस्या आता है या पढ़ाई लिखाई से हो या जीव जंतु या कुछ भी हो उसके बारे में कौन सा व्यक्तियों को या जीव जंतु को बनाया गया है कि वह पूर्ण रूप से उस समस्या को समाधान उसका काम है करना, यानी कि समस्या को समाधान करना उनका ड्यूटी है। जैसे कि इंजीनियर, उनका काम है समस्या का समाधान करना, डॉक्टर को समस्या का समाधान करना, और जो मैथ यानी टीचर को समस्या का समाधान करना है। गाइज क्या एक ऐसा शेर ही है जो कि वह दहाड़ लगा सकता है, यानी कि बहुत अधिक आवाज लगा सकता है, उसके यानी कि उसके जैसा कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो दहाड़ लगा सकता है? आप लगेंगे हाथी, हाथी तो है, लेकिन पक्षी में एक ऐसा है जो कि शुतुरमुर्ग उड़ के जो कि शेर को भी पछाड़ सकता है अपने अगर आवाज लगा रहे तो, जो बड़े बड़े शुतुरमुर्ग होते हैं जिनका 2 केजी का अंडा होता है। गाइज मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपके पास भी डॉग होंगे, कुत्ते होंगे, और गांव देहातों में भी डॉग होंगे, शहरों में भी डॉग कुत्ते होंगे, लेकिन सबसे खतरनाक कुत्ता कौन सा है, जो कहां पर है, जो कि दुनिया का खतरनाक कुत्ता कहा जाता है, जो कि अफगान में है? अफगान में कुत्ते हैं जो कि हॉन्डस कुत्ते हैं जो कि अफगानिस्तान में, वह सबसे खतरनाक यानी कि दुनिया पृथ्वी का सबसे खतरनाक कुत्ते कहा जाते हैं। गाइज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कि तोते हैं वह बहुत तेज से यानी कि उड़ती है,
बहुत तेज से उड़ती है, लेकिन कितने तेज से उड़ती है, कितने मिनट के अंदर कितने दूर तक वह उड़ सकती है। आप लोग दिल्ली का नाम सुनेंगे, दिल्ली शहर, वह दिल्ली के किसी कोने से आप तोते को उड़ा दे, वह 50 मिनट के अंदर में पूरे दिल्ली को नाप कर फिर आपके वापस चले आएंगे। अगर मेरे आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।